हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्वेरियम के बारे में सारी जानकारी दूंगी। अगर आप अपने घर पर एक्वेरियम लगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले तो मैं कुछ आपको ज़रूरी टिप्स बता रही हूँ, एक्वेरियम क्यों खरीदना चाहिए, किस जगह रखना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, सब मैं बताऊँगी। और आखिरी में मैं बताऊँगी कि ये एक्वेरियम जो है कितने का पड़ता है और इसे किस जगह पर रखना चाहिए, कितनी मछलियाँ रखनी चाहिए। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो इतना जान लीजिए कि एक्वेरियम जो होता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत ही शुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम मछलियों का पालन करते हैं। मछली का ही नहीं, आप कुत्ते, बिल्ली या किसी भी पालतू जानवर को यदि पालते हैं और उसकी सेवा करते हैं तो ये बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। उसी तरह से अगर हम मछली पालते हैं तो हमको मछलियों की सेवा भी करनी पड़ती है। इसलिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से मछलियों का पालन बहुत ही शुभ माना जाता है, खास करके मछलियों को खाना या फिर दाना खिलाना। हम लोग बाहर जाते हैं नदियों में मछलियों को खिलाने के लिए ताकि हम कुछ पुण्य कमा सकें, तो आज हम घर पर ही अपने एक्वेरियम लगवा सकते हैं और रोज़ाना मछलियों को भोजन करा सकते हैं, जिससे हम काफ़ी फ़ायदा भी पा सकते हैं। मछली को घर पर पालने से जो वास्तु दोष लगा होता है या घर की जो नेगेटिविटी होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। हर घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो हमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली परेशान करती हैं। कई बार हमारा व्यापार अच्छा नहीं चलता है या मन में अशांति रहती है, घर में झगड़ा रहती है या और भी बहुत सी छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो मन में भारीपन ला देते हैं, मन खुश नहीं रहता है। इस वजह से वास्तुशास्त्र हमेशा सलाह देता है घर में मछली पालन करने का। तो मछली पालन के लिए हमको घर में एक्वेरियम लगवाना होता है। तो ये जो आप एक्वेरियम देख सकते हैं इसे मैंने अपने घर पर लगवाया है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप एक्वेरियम लगवाने की सोच रहे हैं तो आप किस तरह से इसको लगवाएं और इसकी शुरुआत में क्या क्या समझ में आएगा आपको, कुछ क्या क्या दिक्कतें आएंगी, तो आज हम वीडियो में यही बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप एक्वेरियम में देख रहे होंगे कुछ मछलियाँ। तो जैसे ही अगर आप एक्वेरियम लगवाते हैं तो जितनी घर की नेगेटिविटी होती है उसकी वजह से ये जो मछलियाँ होती हैं ये अपने ऊपर वो नकारात्मक ऊर्जा ले लेती हैं और धीरे धीरे कुछ मछलियाँ डेथ हो जाती है, यानी कि कुछ मछलियाँ मर जाती हैं। मैंने टोटल 13 मछलियाँ डलवाई थी, 13, जिनमें से सिर्फ 5 मछलियाँ ही बची, बकाया सारी मछलियाँ ख़त्म हो गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घर में जो नेगेटिविटी होती है ये अपने ऊपर ले लेती हैं। तो एक्वेरियम में जो मछली होती है उसकी संख्या आपको विषम में रखनी होती है, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 आदि। मैंने उस विषम संख्या के हिसाब से 13 मछलियां इस एक्वेरियम में डलवाई थी। और एक्वेरियम में कहा जाता है कि एक गोल्डन फिश का और एक काली फिश का, यानी कि ब्लैक फिश का होना बहुत ज़रूरी होता है। काली फिश जो होती है वो नज़र लगने से बचाती है। जैसे आपके घर में अगर कोई मुसीबत आती है या किसी की दुर्घटना होने वाली होती है, एक्सीडेंट होने वाला होता है या कुछ भी, तो वो ये अपने ऊपर ले लेती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा वास्तुशास्त्र के हिसाब से माना जाता है और मुझे भी लगता है कि ऐसा ही होता है, क्योंकि हम लोगों ने लगवाया, सिर्फ 5 मछलियाँ बचीं। जब दोबारा मछली डाली तो एक भी नहीं मरी, अगर मरती भी हैं तो एक दो और मरती हैं, बकाया फिर धीरे धीरे सालों साल ये जीवित रहती हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इस एक्वेरियम के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बिल्कुल फाइबर का एक्वेरियम। पहले टोटल कांच का एक्वेरियम आता था, लेकिन अब मार्केट में फाइबर के एक्वेरियम आने लगे हैं। ये जो फाइबर ग्लास है ये बहुत ही मजबूत होता है। इससे होता ये है कि अगर गिर जाता है या कुछ भी है तो टूटने का डर नहीं रहता है, क्योंकि बच्चों की वजह से घर में कांच की चीज़ें लगवाना बहुत ही कष्टदायक हो सकता है, कभी कभी बच्चों को लग जाती है। तो इसमें ऊपर की तरफ एक ढक्कन दिया रहता है जिसमें ये देख सकते हैं आप, ये टच लाइट होती है, यानी कि कलरफुल लाइट होती है, ये टच काम करती है। जैसे आप, मैं आपको बताती हूँ, ऊपर इसका बटन लगा होता है, जैसे अभी वाइट कलर है, एक बार दबा देंगे तो ग्रीन हो जाएगी, फिर आपको पुश करना है तो पिंक कलर हो गया, फिर पुश करेंगे तो ये बंद हो जाएगी, फिर पुश करेंगे तो ये वाइट कलर में हो जाएगी। तो ये टच से काम करती है। तो इसका ऊपर बहुत सुंदर ढक्कन लगा हुआ है, पूरा फाइबर का बना है ये, बहुत ही खूबसूरत नए लुक में ये एक्वेरियम आने लगे हैं। अगर आप देसी जो एक्वेरियम होते हैं कांच वाले वो लगवाते हैं तो वो बहुत ही सस्ता पड़ जाता है। ये एक्वेरियम मुझे 4500 रुपये में पड़ा। इससे छोटा साइज लेंगे तो वो 3500 में, और भी छोटे छोटे साइज़ के आते हैं, थोड़ा मीडियम साइज़ है, बहुत बड़ा भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्लांट लगे हैं, तो ये आर्टिफिशियल प्लांट
प्लांट होती हैं जो लुक सुंदर करने के लिए लगाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन लगा होता है, मछलियों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है क्योंकि इसका ढक्कन बंद रहता है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो यहाँ पर स्पेशली एक ऑक्सीजन लगाया जाता है। ये देखिए ये ऑक्सीजन रखा हुआ है अंदर, इसका पूरा ये लगा हुआ है मशीन, इससे ऑक्सीजन मिलती है। तो इसको लाइट से प्लग लगाया जाता है, एक लाइट का प्लग होता है एक ऑक्सीजन का होता है। तो ये जो आप अंदर एक स्टिक देख रहे हैं ना ब्लू कलर की, इससे बबल्स जैसे निकल रहे हैं, ये केवल सो पीस होता है। इसको आप डलवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, वरना नहीं लगवा सकते। मेन ऑक्सीजन जो होता है उसकी ज़रूरत होती है। तो ये प्लांट्स हैं या जो नीचे स्टोन पत्थर वगैरह डले हैं, तो ये सब आप अपने हिसाब से डेकोरेट करवा सकते हैं। तो आप, मैंने इसको इस तरह से डेकोरेट करवाया है, आप देख सकते हैं ऑरेंज प्लांट है, ग्रीन है, ब्लू है, तो जैसा आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से डेकोरेट करवा सकते हैं। इसके पीछे एक सीनरी लगवाई जाती है, ये भी वो कई चॉइस में देते हैं, आपको जो सीनरी पसंद हो आप उसमें लगवा सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत लुक देने के लिए इसको डेकोरेट किया जाता है, जिससे ये बहुत ही सुंदर लगे। अब रही बात मछलियों की, तो मछलियाँ मैंने इसमें एक बहुत बड़े साइज़ की डलवाई है, बहुत बड़ी नहीं, मीडियम साइज़ है, कुछ मैंने छोटे छोटे साइज़ की डलवाई हैं। ज़्यादा छोटी जो मछलियाँ होती हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी हो जाती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बड़ी मछली है वो पक्का बची रहती है। जैसे मैंने इसमें बड़ी मछली डलवाई थी तो वो उसको कुछ नहीं हुआ, 5 मछलियाँ मेरी टोटल बची थी। छोटी छोटी मछलियाँ ज़्यादा सहन नहीं कर पाती हैं नेगेटिविटी को और जल्दी डेथ हो जाती है उनकी। तो बहुत खूबसूरत लगता है ये एक्वेरियम, आप इसको ज़रूर लगवाएं, ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है। और हाँ एक बात और कि एक्वेरियम को बेडरूम में नहीं लगवाना चाहिए, लेकिन मेरा आप देख रहे होंगे बेड के बगल में ही लगा है, मुझको इसको ट्रांसफ़र करना है दूसरे रूम में, मेरे यहाँ थोड़ा फंक्शन था बड़ा इसलिए मैंने इसको साइड में रख लिया था। तो इसको क्या है, 1-1.5 महीने में पानी गंदा हो जाता है, तो आपको इसको पानी को बदलवाना होता है। तो या तो आप खुद ही इसको चेंज कर सकते हैं, सारी मछलियों को नेट देते हैं वो, तो उसको आप बाल्टी में डाल लीजिए और फिर इसको पानी निकाल करके साफ़ सफाई इसकी करके फिर से आप सजा करके पानी भर करके मछलियों को फिर से डाल दीजिए। तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं इनके खाना पीना की, तो यहाँ पर मैं आपको इनका खाना भी दिखा देती हूँ। तो गाइज़ ये है इनका खाना, ये देख सकते हैं फ़िश फूड लिखा है। ये पैकेट जो है करीब 50 रुपए का आता है, तो एक पैकेट आपका आराम से 2-3 महीने के लिए हो जाएगा। अब इसमें कितना आपको दाना डालना होता है, कैसा दाना होता है, मैं आपको दिखा रही हूँ। जिस तरह से सरसों के दाने होते हैं ना, ठीक उसी तरह से ये दाना होता है, ये देखिए। तो आपको करीब 30-40 दाने ही डालने होते हैं मछलियों को खिलाने के लिए। अगर आप ज़्यादा दाना डाल देंगी तो ये मछलियाँ जो इनका ये दाना फूलता है तो पेट में जा कर के फूलेगा और मछलियों को ख़तरा रहता है बीमार होने का या मर जाने का। तो आपको सुबह शाम ही दाना डालना है, केवल एक बार में 30-40 दाने ही डालने हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसको किस तरह से डालना है। आप इस तरह से बॉक्स खोलिए और ये दाने डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे मछलियाँ आएंगी। ये देखिए ऊपर मछलियाँ आई और इन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया है इस तरह से। तो ये जो दाना है एक पैकेट काफ़ी दिनों तक चलता है, तो मुझे करीब 1.5 महीने हो गए हैं इसको, तो इतना ही खाली हुआ है तो पैकेट होता है। अब हम एक यहाँ पर ये लोग बॉटल देते हैं इस तरह से, जब आप पानी चेंज करेंगे तो आपको एक ढक्कन ये लिक्विड इसमें डालना होता है। तो ये एंटी बैक्टीरियल होता है, जो थोड़ी बहुत पानी में बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं तो ये उसको ख़त्म कर देता है। अब बात करते हैं कि इसमें पानी आपको कौन सा भरना है। इसमें आपको आरओ का पानी नहीं भरना है, क्योंकि आरओ के पानी में कुछ मिनरल्स होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, पूरे उनको पोषक तत्व नहीं पहुँच पाते हैं। तो आपको जो नॉर्मल पानी होता है उसको ही भरना है। इसमें इन्होंने एक नेट भी देते हैं, वो शायद कहीं रखी हुई है, उस नेट से जैसे कोई मछली मर जाती है या आपको उसको सफाई करनी है तो उस नेट से आप मछलियों को निकाल करके अलग पानी में डाल सकते हैं बाल्टी में, तो उस नेट का भी आप यूज कर सकते हैं। और हाँ एक ज़रूरी बात कि जैसे अगर आपको बाहर जाना है 10-15 दिन के लिए, तो इनकी एक टैबलेट्स आती है एनर्जी टैबलेट्स बोलते हैं जिसको, तो जैसे मान के चलिए पूरे घर को बाहर जाना है तो आप एक टैबलेट इस पानी में डाल दीजिए, तो वो ये मछलियों को आपको 10-15 दिन, जितने दिन की भी वो एनर्जी टैबलेट होगी उतने दिन आपको खाना नहीं देना पड़ेगा और मछलियाँ सुरक्षित बनी रहेंगी। और हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके प्लग की व्यवस्था है, ये प्लग जो है ये उसका जो ऑक्सीजन होता है उसका प्लग है, ये लाइटिंग का प्लग है। तो आपको यहाँ पर 2 प्लग लगवाने होते हैं। और रही बात पानी की, तो पानी भी धीरे धीरे गर्मी का मौसम है, आप देख सकते हैं ये जो इसकी टैब है इससे नीचे इसका पानी नहीं आना चाहिए, तो धीरे धीरे इसका पानी कम होने लगता है गर्मियों की वजह से, सूखने लगता है। तो आपको 2-4, 8-10 दिन में एक बाल्टी पानी या 2-4 मग्घे पानी डालना होता है कि इससे नीचे ना आ पाए पानी, वरना इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। अगर बाई चांस लाइट चली जाती है और आपके यहाँ इन्वर्टर नहीं लगा है तो आपको इसको ढक्कन को खोल देना है ताकि जो हमारी हवा होती है नॉर्मल वो
अंदर पहुँचे और मछलियों को ऑक्सीजन मिलती रहे, वरना मछलियाँ मर जाएंगी। तो कई जगह इन्वर्टर नहीं लगा होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो ब्लॉग है या कह लीजिए एक्वेरियम के बारे में जानकारी है, आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप एक्वेरियम लगवाने के इच्छुक हैं तो आप एक्वेरियम लगवा सकते हैं, लेकिन मेरी इन बातों का ज़रूर ध्यान दें। और हाँ, मैं आपको अपनी जो बड़ी फिश है ना, इसका बड़ी फिश कहाँ है, ये है, अभी दिखाती हूँ मैं। ये बहुत अच्छी फिश है ये वाली, इसका मैंने नाम चिकी रखा है। ये जब से आई है ना, मेरे मुझे बहुत फेवरेट है, इसका नाम मैंने चिकी रखा है। और ये जो वाइट वाली है, इसकी मेरी बेटी ने मिल्की रखा है इसका नाम। हाँ बेटा, हाँ। तो ये फिश जो है बहुत खूबसूरत लगती हैं। मेरा जब भी मन अच्छा नहीं होता है तो मैं इन फिश को देखती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है देख करके। और इनकी एक्टिविटीज़ देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। इन मछलियों में बहुत एकता है, साथ में रहती हैं दोनों, तो जैसे एक ख़त्म हो जाती है तो सभी मिल के उसको हिलाती हैं कि उठो, क्यों नहीं उठ रहे हो। और एक फिश आई थी ना ब्लैक कलर की, वो तो ऊपर नहीं आ रही थी, तो इन्होंने जा कर के दाना ले जा के उसके मुँह में डाला कि तुम खाना खा लो। ये वाली जो पतली दिख रही ना आपको, ये अब ऊपर आने लगी, स्टार्टिंग में ऊपर नहीं आ रही थी, तो ये लोग खाना ले जाती थी उसके लिए। तो बहुत अच्छी मछलियाँ हैं ये सारी फिश, बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप एक्वेरियम लगवाना चाहते हैं तो कांच वाला ना लगवाएं, थोड़ी सा सस्ता वो होता है, लेकिन ये वाला देखने में बहुत खूबसूरत होता है और बहुत सुंदर लगता है, और अच्छा भी है, लगती नहीं है कांच, ऐसे टूटने का डर नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।